तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे 21 परमानेंट पौधे के नाम बताऊंगी जिससे आप अगस्त सितंबर के महीने में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पौधे के नाम और कैसे कटिंग से हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरे देखिए कटिंग से लगाए हुए देसी गुड़हल के प्लांट है और ये मेरे देखिए येल्लो वाला हाइब्रिड गुड़हल है। तो मैं इसी की एक कटिंग ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसी की कटिंग्स लगा के दिखाती हूँ। तो चलिए, वीडियो में पूरी बने रहिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं इसमें गार्डन सोयल ले ली हूँ। तो ये नॉर्मल गार्डन सोयल है। उसके बाद देखिए, इस तरीके का एक एलोवेरा जेल आपको ले लेनी है जो रूटीन हार्मोन्स का काम करेगी। तो इससे क्या होती है, हमारी रूट जल्दी डेवलप होती है। तो नीचे की जितनी भी पत्तियाँ हैं इन सबको कट करके हटा लेनी है। तो ये अपनी पूरी एनर्जी अपने रूट को फैलाने में लगा देगी। तो देखिए, इस तरीके से जितने भी पुराने पत्तियां हैं मैं इन सबको कर दूंगी। सिर्फ ऊपर की एक दो पत्तियों को मैं छोड़ दूंगी। तो देखिए, इस तरीके से मैं सभी पत्तियों को कट करके हटा दी हूँ। तो इससे जल्दी रूट बनेगी क्योंकि ये अपनी पूरी एनर्जी रूट बनाने में लगा देगी। तो देखिए, जो नोड एरिया है यहाँ से हमें एलोवेरा जेल में डिप करनी है क्योंकि यहीं से हमारी कटिंग्स की रूट निकलती है जो नोड एरिया होती है। तो देखिए, मिट्टी में एक होल बना लेती हूँ मैं। उसके बाद देखिए, जहाँ तक नोड एरिया है वहीं से हमें अपनी कटिंग्स को लगानी है और थोड़ी सी तिरछी करके लगानी है। तो इससे क्या होती है फ्रेंड, कटिंग्स हमारी बहुत आसानी से लग जाती है। तो मैं अभी इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं मिलाई हूँ, सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल है। जब इसकी ग्रोथ आ जाएगी, जब एक महीने की हो जाएगी, तब मैं इसमें थोड़ी सी खाद दे दूंगी जब ये कटिंग्स लग जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा बारिश का पानी था, मैं उसको दे देती हूँ। तो इसमें नमी बनाए रखनी है लेकिन मिट्टी को इसकी गीली नहीं रखनी है। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये है कनेर का पौधा। तो मैं यहाँ से भी एक कटिंग्स ले लेती हूँ। और कनेर की कटिंग्स को भी आप सिर्फ पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और गार्डन सॉइल में भी और रेत में भी। तो चलिए, मैं यहाँ से भी एक कटिंग ले लेती हूँ। तो अभी कटिंग्स लगाने का बेस्ट सीजन है, रेनी सीजन। कोई भी कटिंग्स आप अभी लगाइए तो बहुत आसानी से हमारी कटिंग्स लग जाती हैं। तो चलिए, मैं इसमें देखिए, इसमें भी गार्डन सॉइल मिलाई हूँ। इसमें थोड़ी सी मैं कोकोपीट मिला दी हूँ। तो आपको प्लांट कटिंग्स लगाने की जो सॉइल है उसको आप पूरा वेल्डन रखिएगा। तो देखिए, मैं इसकी भी वैसे ही सेम सभी पत्तियों को काट के हटा दूंगी, जितने भी नीचे की पत्तियां हैं, सिर्फ ऊपर की कुछ कटिंग्स को मैं छोड़ दूंगी। तो देखिए, इस तरीके से मैं जितने भी कटिंग्स पत्ते हैं मैं इन सबको हटा लेती हूँ। उसके बाद सभी प्लांट्स को जो मैं अभी कटिंग से लगाऊंगी उन सबको शेड में रखूंगी। तो देखिए, ऐसा तिरछा कटिंग आपको करनी है। और देखिए, जो नोड एरिया है वहीं तक हमें मिट्टी में इसे दबानी है। तो चलिए, मैं इसमें भी एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। और जिसमें आप कटिंग्स लगा रहे हैं उसकी मिट्टी को हमेशा नमी बना के रखिएगा। तो ऊपर की मिट्टी को थोड़ा टच करके देखिएगा, जब उसकी मिट्टी हल्की सूखी लगेगी तब आप इसमें वाटरिंग कर दीजिएगा। तो चलिए, थोड़े से मैं इसमें पानी दे देती हूँ। और उसके बाद एक महीना तक आपको इसको टच नहीं करना है। जब ये कटिंग्स की देखिएगा न्यू ग्रोथ आ गई है तब इसको इसमें आप थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे दीजिएगा। तो चलिए, उसके बाद गुलाब की कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तो कोई भी वेराइटी हो, देसी हो या हाइब्रिड, तो मैं हाइब्रिड वेराइटी का कटिंग लगाई हूँ। चलिए, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, एक हफ्ते ही हुए हैं और इसमें देखिए कितने अच्छे नए नए सूट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और नए नए देखिए फुटाव भी आ गए हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पर देखिए, ये राखी बेल है जिसे हम कृष्ण कमल भी कहते हैं। तो देखिए, इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसकी भी कटिंग्स आप लगा सकते हैं। तो इसकी भी कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाते हैं, ये भी परमानेंट पौधा है। और ये देखिए, ये है पेंटास, इसकी भी कटिंग्स आसानी से लग जाती है। और जैसे ये देखिए सदाबहार, इसकी भी कटिंग्स हम आसानी से लगा सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है जिसे हम मधुमालती कहते हैं और रंगीन क्रीपर भी। तो इसके फ्लावर देखिए कितने प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं। सुबह टाइम ये वाइट कलर आते हैं और धीरे धीरे ये पिंक में आ जाते हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत लगे। तो इसकी भी कटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ये एक
ड्रॉप वैरायटी का है, इसका एक बेल वाला भी पौधा आती है, तो उसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये है एक जोड़ा, तो ये भी देसी वैरायटी का है, इसकी भी कटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके का आप कटिंग लेके आप लगा दीजिएगा तो वो भी आसानी से लग जाएगी। तो मेरे पास और एक वाइट कलर का है, और ये देखिए ये हाइब्रिड एक जोड़ा है, तो इसकी भी कटिंग्स आसानी से लग जाती है। तो ये ड्रॉप वैरायटी का है, इसकी पौधा ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये है अलमंडा, ये भी बेल वाली वैरायटी है, तो इसकी भी तीन चार वैरायटी आती है। तो कोई भी प्लांट की कटिंग्स आप लेके लगा सकते हैं। तो रेनी सीजन सबसे बेस्ट समय है, कोई भी कटिंग्स लगाइए आपका आसानी से लग जाएगी। तो इसको मैं एक पॉट में लगाई हूँ फ्रेंड, देखिए। उसके बाद ये देखिए, ये इंडोर प्लांट है, तो ये अरेलिया का प्लांट है, तो इसको भी देखिए मैं कटिंग से लगाई हूँ और ये मेरे पौधे देखिए लग गई है। और ये देखिए, ये भी एक अरेलिया का ही पौधा है, तो इसको भी मैं कटिंग से लगाई हूँ। उसके बाद ये देखिए, ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसको भी मैं कटिंग से लगाई हूँ, ये भी मेरे देखिए लग गई है। तो इसके जो मदर प्लांट है वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये ब्लडिंग हार्ट है, तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये वेरीकेटेड वाली वैरायटी है, इसकी भी और वैरायटी आती है ग्रीन पत्तियों वाली, तो कोई भी वैरायटी हो आप उसे आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड, ये है डबल चांदनी का प्लांट, तो इसको मैं देखिए कटिंग से एकदम पतली सी कटिंग लेके लगाई थी, तो ये भी मेरी लग गई है देखिए। और उसके बाद ये है देखिए नाग चंपा, तो इसको भी मैं कटिंग से ही लगाई हूँ, तो इसका भी मदर प्लांट जो मैं है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये है इसका मदर प्लांट, तो इसकी भी कटिंग्स आसानी से लग जाती है। तो रेनी सीजन में तो और अच्छे से लग जाती है। तो देखिए यहाँ से मैं तीन कटिंग लगाई थी, तो तीनों मेरी लग गई है, तो एक को मैं किसी को गिफ्ट कर दी हूँ और दो प्लांट मेरे पास हैं। उसके बाद ये देखिए स्थल कमल, तो इसको भी मैं कटिंग से ही लगाई हूँ, और देखिए इसमें रिपोर्ट भी कर ली हूँ, तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सुंदर प्लांट है, इसके फ्लावर सुबह टाइम व्हाइट और दोपहर के बाद ये पिंक कलर हो जाते हैं, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड, हरसिंगार जिसे पारिजात कहते हैं, तो इसे भी आप अपने गार्डन में कटिंग से लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड, ये है जूही का प्लांट, तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो इसकी भी कटिंग्स बहुत आसानी से पतली कटिंग्स भी इसकी लग जाती है, और वाइट कलर का इसमें फ्लावर आते हैं, और काफ़ी अच्छे इसकी खुशबू भी है, तो इसको भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड, ये देखिए मधुकामनी, तो इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, तो इसकी भी मेरे पास दो वैरायटी है। उसके बाद फ्रेंड, ये देखिए इंडोर प्लांट्स क्रोटोन का है, तो इसकी भी कटिंग्स आप अभी लेके लगा सकते हैं, तो इसकी भी पतली से पतली कटिंग भी लग जाती है। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड, ये जेड प्लांट है, तो इसकी भी कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाती है, तो मैंने इसे बहुत सारे इसके कटिंग्स लगाई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, एक हफ्ते ही हुए हैं मेरे कटिंग्स लगाए हुए, और देखिए इन सब की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो रही है। उसके बाद देखिए, मैं नीचे भी एक छोटी सी कटिंग्स लगा दी थी, तो ये भी मेरी लग गई है, तो मैं इसे भी निकाल के आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इसमें कितनी अच्छे से रूट्स बन गई है। तो फ्रेंड्स, जेड प्लांट को आप थोड़ा कम वाटरिंग कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग होने से इसकी पत्तियाँ पीली होकर गिर जाती है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये है सफलेरा, तो इसकी भी कटिंग्स आप लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी सुंदर पौधा है, तो इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं और एक पौधे के नाम बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये लिपस्टिक एग्नोलिमा है, तो इसकी भी कटिंग्स आप आसानी से लगा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत पौधा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बाय फ्रेंड।